मैं यह हमारे शमीम भाई हैं, माशाल्लाह ये एक्टिव सिटीजन ग्रुप से भी जुड़ते जा रहे हैं और मुस्लिम लीग के लिए भी अब इन्होंने अहद किया है एक तरीके से कि मैं अब मुस्लिम लीग हरे झंडे के लिए काम करूंगा। मैं मेरे भाई से पूछना चाहता हूं कि आपको मुस्लिम लीग में क्या चीज़ नज़र आए कि आप मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए आए। शमीम भाई प्लीज़। समझ नहीं आई कि एक अपना प्लेटफॉर्म समझ में आया, एक जो राजनीतिक का प्लेटफॉर्म है, अब तक जो ना यहाँ वहाँ झंडों के नीचे रहते थे, कहीं ये पार्टी कहीं वो पार्टी कहीं ये पार्टी कहीं बिखरे हुए मोदी की तरफ, एकजुट नहीं, सारे के सारे अकलमंद लोग एकजुट हैं, हम एक बेवकूफ के एकजुट नहीं हो रहे। हमारा झंडा आज़ादी से पहले था और अभी भी है और संविधान में भी है और दिल्ली में भी है, जाके लोग देखे या पढ़े और समझे कि हमारी पार्टी क्या है और क्या नहीं है। हमें यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा लाउड चाहिए। इंशाल्लाह फिर आप मतलब हमारे साथ में मतलब जुड़े रहेंगे। अपने जी सदा आत्माला जा रहे हैं लोग निर्दलीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हमारे साथ है शुरू से रही है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ज़माने से, और हमारा भी जो है ना इस हिंदुस्तान में हक बराबर के हम साथी हैं। बहुत सारे हमारे राष्ट्र में कई भाषाओं के लोग कई जात धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख की सफाई ये तो है ही है, ये तो एक हमारा राष्ट्रीय गीत है इसके अंदर जो गाया जाता है ये तो सभी जानते हैं। पर अभी सभी पढ़ने वाले जो क्लास में पाठशाला में पढ़े हिंदी मराठी इंग्लिश गुजराती पंजाबी तेलुगू मलयालम सारी चीज़ें लोग जानते हैं पढ़े हैं अपने अपनी भाषाओं में, फिर भी जो है लोगों के अंदर जो है नफरत जात भेद भाईचारा नहीं देश का भला नहीं। चलो खुशी हुई कि आप हमारे मुस्लिम लीग के अस्सलाम वालेकुम झंडे को बरकतुल्लाह बरकातहू। अच्छा अच्छा।